गजब के जोश और उमंग के साथ 40 कार से उगू का जत्था आज नीमच के रेलवे स्टेशन से अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान कार सेवकों ने भरपूर उत्साह के साथ जय श्री राम का गगनचुंबी उद्घोष किया, राम भक्ति के गीत गाए। यहां से कार सेवक नीमच से रतलाम पहुंचेंगे। आज भी रतलाम से आस्था एक्सप्रेस में सवार होकर तमाम कार सेवक एक साथ कल शाम अयोध्या पहुंचेंगे। 6 फरवरी को भगवान रामलला के दर्शन कर आरती में शामिल होंगे। कार सेवकों को रामघाट, सरयू घाट और हनुमान गढ़ी जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। 6 फरवरी को रात 9:30 बजे अयोध्या से रवाना होकर 7 को नीमच वापसी होगी। अयोध्या जाने से पूर्व नीमच रेलवे स्टेशन पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, हेमंत हरीत, महेंद्र भटनागर सहित बड़ी संख्या में राम भक्तों ने उपस्थित होकर फूलमाला पहनाकर कार सेवकों का अभिनंदन किया। बताते चले कि नीमच से 1990 की कार सेवा में 85 कार सेवक और 1992 की कार सेवा में 170 कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। आज 40 कार सेवक अयोध्या जा रहे हैं, बाकी कार सेवक अलग अलग चरणों में अयोध्या जाएंगे। आज कार सेवा में जा रहे जत्थे में 2 महिलाएं भी शामिल है। अयोध्या जा रहे कार सेवकों में लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, अरविंद जायसवाल, मनीष कालानी, विजेंद्र सिंह बेस, गजेंद्र शर्मा, कन्हैया लाल सोनी, नरेश सोनी, अरविंद भरानिया, मनीष चौरसिया, ब्रजेश इरन, विनोद नागदा, गोविंद सिंह, माया देवी दवे, आशा लता व्यास आदि मौजूद रहे। अरे आज बहुत बढ़िया लग रहा है, जय जय सिया राम। हमारी 90 और 92 की कार सेवा सार्थक हो गई। हमने जो सपना देखा था कि हम अयोध्या आएंगे और भव्य मतलब है तो भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे, वो सपना हमारा साकार हुआ। आज आप लोग किस तरह से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम ट्रेन से जा रहे हैं रतलाम, और मतलब है तो यहाँ से रतलाम, और रतलाम से हमारी 9:30 बजे ट्रेन आस्था एक्सप्रेस से वहाँ से सीधे अयोध्या। प्रभु श्री राम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या है? हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं। कितने कार सेवक सभी जा रहे हैं? हम यहाँ पर अभी 40 हैं और 400 की संख्या में सारे कार सेवक तैयार थे, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं के हिसाब से हम आज 40 जने जा रहे हैं वो नीमच। यहाँ से हम लोग रतलाम जाएंगे, वहाँ से स्पेशल ट्रेन है, उसी ट्रेन में ही हमारा ठहरना, खाना, खाने की व्यवस्था सब उसी ट्रेन में है। और 5 को शाम को अयोध्या पहुँचेंगे और 5 की रात्रि अयोध्या विश्राम करेंगे। 6 को दिन भर अयोध्या रहेंगे, 6 को शाम की वापस रवाना होकर 7 को रात्रि को 9:30 बजे हम रतलाम आ जाएंगे। 40 कार सेवक रतलाम के लिए पहले प्रस्थान करेंगे, फिर रतलाम से आस्था ट्रेन जो हमारी बनी है वो सीधे हमको अयोध्या के लिए लेके जाएंगे। वहाँ पर हम सवेरे की आरती में भी सम्मिलित होंगे। सभी नीमच जिले के वासी और सभी नीमच और मंदसौर वासी हम लोग एक साथ होकर वहाँ पे प्रभु श्री राम लला के हम लोग दर्शन करेंगे। नीमच से अभी हम 40 कार सेवक रतलाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ से सीधे आस्था ट्रेन के द्वारा अयोध्या प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। जैसा कि विगत है, हम अभी ये 3:30 बजे ट्रेन से यहाँ से रतलाम जाएंगे और रतलाम से हमारी 9:30 बजे आस्था एक्सप्रेस जो इंदौर से बनी है करीब 1200 स्वयं सेवकों को लेकर आ रही है। इसमें जो सन 1990 और 1992 के जो कार सेवा में गए थे वो करीब वो सभी कार सेवक और जो वरिष्ठ स्वयं सेवक है वो सभी इसमें जा रहे हैं। इसमें देखा और हम पहुंचेंगे 5 की शाम को और 6 तारीख का वापस शाम को रिटर्न है और 6 तारीख को सुबह दर्शन है हमारे। कुछ महिलाएं भी है साथ? इसमें 2 नीमच से 2 महिलाएं हैं। ये रोशन था इन सब कार सेवकों के साथ, क्योंकि 90 में माननीय प्रमुख था भानु मंडी जब ढांचा ढहाया तब मैं भी वहाँ सारे स्वयं सेवकों को कार सेवकों को लेकर गया था। अद्भुत उत्साह और उमंग है देश में। राम राय भगवान राम जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन से एक अद्भुत वातावरण हुआ है। रामराज की कल्पना जो हमने सपना देखा था वो सपना आज पूरा हो रहा है और आज वो मेरे साथ के सारे कार सेवक अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेरी विधानसभा है, विधानसभा में पहुँचना है, रामलला जब बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा और उनके दर्शन करूँगा। आज मन में बहुत खुशी है कि जिस राम के नाम से हम दंडे खाते थे, जिस राम के नाम से हमें विधर्मी जेलों में भेज देते थे, वो समय अब खत्म हो गया है और आज रामराज की कल्पना हो गई है। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समंदर सेतु बनाया, केसरिया रण में फिरे, यह देश राम का, परिवेश राम का, जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, यह आदेश भी प्रभु श्री राम का था। तो आज मेरे साथ के वो सारे कार सेवक
आज वहाँ रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। एक अद्भुत वातावरण बना है और वातावरण इसलिए भी बना है कि उस समय कार्यकर्ताओं को लाल सरयों का पानी लाल हो गया था। उस समय मुलायम की सरकार ने गोलियों से हमारे कार्यकर्ताओं को भून दिया गया था उस समय और आज में बहुत फर्क है। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश में एक अद्भुत वातावरण तैयार किया है और न्यायालय के आदेश से हमारे संघ के सरसंचालक जी और मोदी जी ने वहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित थे, देश के सारे ऋषि मुनि संत महात्मा और पूरे देश अयोध्या बना हुआ था, तो वो वातावरण आज निर्मित हुआ है। मैं पुनः सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।